और अब आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी जानकारी आपको दे, पीएम के दौरे को लेकर जानकारी है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का लखनऊ दौरा है, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम, इस बात की जानकारी है। अमृत महोत्सव का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा पीएम का, बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित होगा कार्यक्रम और 5 से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आपको बताएं कि अमृत महोत्सव का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित होगा कार्यक्रम, लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। और लखनऊ से आपको एक और बड़ी जानकारी दें, नियम विरुद्ध हूटर सायरन बजाने वालों पर सख्ती अब की जाएगी, ऐसी गाड़ियों का चालान कर सीज करने के निर्देश है। सीएम योगी ने ऐसी गाड़ियों को लेकर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, कहा ऐसे वाहन सड़कों पर अनावश्यक माहौल खराब करते हैं, सख्ती से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदूषण भी इससे फैलता है, लोग भी डर जाते हैं क्योंकि राहगीर जो होते हैं और उस वक्त ऐसे सायरन हूटर की वजह से कई बार डर जाते हैं, कई बार हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। शैलेश हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। शैलेश, इसे बड़ी कार्यवाही, बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री का कह सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण को रोकना भी इसका मकसद होगा, साथ ही साथ जो राहगीर पैदल चलते हैं वो भी डर जाते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि इसे एक तरफ जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की बात करें, दूसरा सबसे बड़ी बात कि लोग अचानक जब इस तरह से हूटर या सायरन बजते हैं तो उनका डरना स्वाभाविक है। दूसरा, इस तरह से जो लोग अवैध तरीके से इन हूटर का या सायरन का इस्तेमाल करते हैं, बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट की भी संभावना बढ़ जाती है, ओवर स्पीडिंग करते हैं वो लोग सायरन और हूटर का इस्तेमाल करके। दूसरी चीज, इस समय अगर बात की जाए ये निर्देश देने की, तो बड़ी वजह है चुनावी माहौल। अगर हम पंचायत चुनाव के बाद के माहौल को देखें तो लगातार इस तरह से हूटर और सायरन का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव अब करीब आ रहे हैं इस तरह से लोग अवैध तरीके से जो हूटर है सायरन है इसका इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। खासतौर से अगर राजधानी लखनऊ में तो इसका इस्तेमाल है ही, लेकिन अगर आसपास के जिलों की बात करें तो वहां इस्तेमाल इसका और ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसी गाड़ियों को सीज किया जाए, उनके चालान किए जाए, और जो लोग भी इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये निर्देश दिए आज। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर तेजस्वी सूर्या का जोरदार स्वागत किया गया, BJYM कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, जो कि लखनऊ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लखनऊ पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। BJYM कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, अपनी लोकप्रियता की वजह से जाने जाते हैं युवाओं में। और ये देखिए तस्वीर लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर है। तेजस्वी सूर्या का जोरदार स्वागत किया गया, BJYM कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे, चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम दौरा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर तेजस्वी सूर्या का जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे, लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। युवाओं में अपनी लोकप्रियता की वजह से जाने जाते हैं तेजस्वी सूर्या, चुनावों के मद्देनजर बहुत काम किया पार्टी के लिए। अगर हम बंगाल चुनाव की बात करें उस वक्त भी काफी सुर्खियों में रहे, जिस तरीके का उनका स्टाइल है, काम करने का तरीका है, उसको लेकर वो जाने जाते हैं युवाओं में, और इसी वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें सौंपी है। लखनऊ दौरे पर जब पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, BJYM के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत उनका किया लखनऊ में, काफी खुश दिखाई दिए कार्यकर्ता, BJYM के कार्यकर्ता काफी खुश दिखाई दिए। और अब यहाँ पर आगे किस तरीके का कार्यक्रम रहता है इस पर भी हमारी नजर। और अब अगली जो बड़ी जानकारी है वो बाराबंकी से है, बसपा सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप का मामला है। अतुल राय को क्लीन चिट देने वाले सीओ अमरेश सिंह गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अमरेश सिंह बघेल को वाराणसी CJM कोर्ट में पेश किया गया, और अमरेश सिंह बघेल ने सांसद अतुल राय को क्लीन चिट दी थी, जांच में भूमिका संदिग्ध होने पर निलंबित किए गए थे।
वाराणसी पुलिस ने सीओ अमरेश सिंह पर केस दर्ज किया है और पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह किया था। बताया आपको कि मामले में जांच अधिकारी थे उस वक्त सीओ अमरेश सिंह बघे, जिन्होंने क्लीन चिट दिया और इसके बाद ये पूरी तस्वीर बनी थी। उनकी भूमिका संदिग्ध लगी, जांच हुई तो भूमिका संदिग्ध पाई गई, उन पर अब कार्यवाही की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बसपा सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप का ये मामला है। अतुल राय को क्लीन चिट देने वाले सीओ अमरेश सिंह गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई जांच में, इसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है।